फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको लेके आया हूं पावर बीआई की एक नई वीडियो, जिसमें कि हम सीखने जा रहे हैं कि हम ब्लैंक रोज को कैसे डिलीट कर सकते हैं या किसी भी पर्टिकुलर रोज को कैसे डिलीट करते हैं, न्यू कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। और कॉलम को ऐड करने का आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। डेक्स पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बहुत आसान तरीका बता रहा हूं पावर बीआई पे काम करने के, जिससे कि अगर आप टेक्निकल नहीं है तो भी आप पावर बीआई पे काम कर पाएं। तो दोस्तों अगेन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आपसे बोलता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े बहुत भी ठीक लगते हैं और आपको लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, और इससे पहले का जो भी वीडियोज हैं, जो भी मैंने ओवरव्यू दिया है सब कुछ, कैसे एडिटर ओपन करना है, कैसे क्वेरी एडिटर में जाते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप कैसे होता है, सारे लिंक्स मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। इसे देखने से पहले अगर आपसे मिस हो गए तो पहले उन वीडियोज को जरूर देखें। चलिए तो आज हम बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो सोर्स लिए हुए हैं, एक मैंने गूगल एनालिटिक्स से सोर्स लिया हुआ है, दूसरा मैंने एक्सेल से लिया हुआ है। तो आज हम थोड़े से जो हमारा होम टैब होता है इसमें कुछ ये आपके जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें से कुछ हम यूज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ ट्रांसफॉर्म में भी हम देखेंगे, कुछ हम ऐड कॉलम में। तो मैं धीरे धीरे आपको चीजें बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से प्रैक्टिकल करते हुए इसे सीखते चले जाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आता हूं कि जब मैंने ये रिपोर्टिंग व्यू लिया, एक्सेल लिया, ठीक है, अब देखिए सीट वन कुछ नाम अच्छा सा नहीं लग रहा। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसका नाम चेंज कर दूं। तो फ्रेंड्स राइट हैंड साइड पे आप जैसा कि देखेंगे मेरे कर्सर पे, आप इसका नाम आराम से चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पर डाल देता हूं नेम लिस्ट, ठीक है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं नेम लिस्ट, राइट। देखिए जैसे ही मैंने इसका नाम चेंज किया तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसका नाम चेंज हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं कि ये देखिए हमारी इसमें तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हम इसमें रो कैसे डिलीट करते हैं, रो को कैसे, हमें कोई भी रो है उसे डिलीट कैसे करनी है। तो मान के चलिए कि मुझे पहली रो डिलीट करनी है, अभी के लिए मैं आपसे यही बात करता हूं, ठीक है। तो करते क्या है, देखिए होम टैब पे आप क्लिक करेंगे, होम टैब के बाद आप जाएंगे कीप रोज एंड रिमूव रोज, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो मैं जाता हूं रिमूव रोज पे। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव अल्टरनेट रोज, रिमूव डुप्लीकेट रोज, रिमूव ब्लैंक रोज और रिमूव एरर। तो एरर हमारे पास है लेकिन अभी हम डिलीट नहीं करने वाले हैं, डिलीट नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि एरर डिलीट करने से हमारे डेटा में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होती है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि मुझे करना है कि टॉप रोज अगर मैं करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया रिमूव टॉप रोज किया, और देखिए क्या होगा इससे मेरा, यहाँ पे ये पूछता है कि टॉप की कितनी रो आपको डिलीट करनी, स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज टू रिमूव फ्रॉम द टॉप। तो मैं कह देता हूं कि टॉप से दो करनी है, तो मैंने दो यहां पे डाल दिया और ओके। आप देखना पहला और दूसरा ये मैंने ओके कर दिया। देखिए फ्रेंड्स मेरी दो रो यहां से डिलीट हो गई, ठीक है। मुझे वो डिलीट नहीं करनी थी, सिर्फ मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि हम कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं कि देखिए जब हम किसी भी डेटा पे डेटा मसाजिंग करते हैं या कोई भी मॉडल तैयार करते हैं तो हमारा ये देखिए, जब आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कॉलम वन में वैलिड 36% है, 0% एरर है, 4% एम्प्टी है। अब एम्प्टी भी है, एम्प्टी को हमें कैसे हटाना होता है, देखिए इसी पे हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ क्लिक किया और देखिए यहाँ पे ये पूरा डेटा आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए नल आ रहा है, तो मैंने यहां से नल को हटा दिया और ओके कर दिया, ठीक। आपने देखा यहां से मेरी सारी एरर हट गई। दोस्तों बहुत आसान तरीका होता है, अब वहां से नल वैल्यू तो हट गई लेकिन देखिए यहां पे अभी मेरे एनए आ रहा है, इस पे भी हम बात करते हैं। मैंने इस कॉलम में गया और इस कॉलम में मैंने जाके देखा एनए, ये मैंने हटा दिया और ओके, राइट। देखिए मेरे यहां से एनए की सारी वैल्यू भी डिलीट हो गई। फ्रेंड्स अब आते हैं कि देखिए अब आप सीख गए कि कैसे हम रोज को रिमूव कर सकते हैं, कितना आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके में आपको बता रहा हूं जिसमें कोई भी टेक्निकल टर्म आपको यूज नहीं करना है। अब देखिए फ्रेंड जैसे मेरा ये कॉलम का नाम है कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, अब लेकिन मेरा रियल में कॉलम का नाम सीरियल वन, सीरियल नंबर, नेम और एज है। तो इसे करने के देखिए क्या तरीके होते हैं,
देखिए अगर आप होम के पास ट्रांसफॉर्म टेम में जाएंगे ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन होता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ये है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो, ठीक है, जो भी आप जानना चाहते करना चाहते हैं। तो मैंने कह दिया यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, यहां से मैंने क्लिक किया और ये देखिए मेरा ऑटोमेटिकली सारे जो यहां पर थे वो मेरे ऊपर पहुंच गए। चलिए अब मैं इसे क्लिक चेंज कर देता हूं इसको। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था मैं जो भी यहां पे स्टेप फॉलो करता हूं वो सारे मेरे यहां पे अप्लाइड स्टेप में आते चले जाते हैं। आप कहीं आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ भी आपको भूल गए, तो आप यहां से इसे कैंसिल करके आप चेंज कर सकते हैं, पुराने स्टेप पे वापस जा सकते हैं। तो मैंने देखिए प्रमोटेड हेडर किया था, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक, अगेन मेरा यहां आ गया। तो देखिए अगर आप भूल जाते हैं कि ट्रांसफॉर्म में जाके यहां से करना है, तो इसका दूसरा मैं आसान तरीका बताता हूं। आपको सिंपल यहां पे क्लिक करना है और यूज फर्स्ट रो एज हेडर क्लिक कर दिया और देखिए आपके सारे जो फर्स्ट रो थे वो आपके एज ए हेडर आ गए। उसके बाद मैं आपको लास्ट वीडियो में ये भी बता चुका था कि हम यहां से इनके टाइप और डेटा, हम टाइप ऑफ डेटा यहां से आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था कि हम किस तरीके से अपने डेटा को थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए वो बताया था रिमूव हेडर्स का, ठीक है, और दूसरे अब हम बात करने जा रहे हैं ऐड कॉलम, हम कॉलम को कैसे ऐड करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत आसान वाला तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए किसी कॉलम का रेफरेंस लेके आपको कैसे ऐड करना है। जब मैं रिपोर्टिंग करता हूं तो मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं, कई मेरे जूनियर्स और मेरे यूजर्स भी मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे पास इस तरीके से तीन कॉलम है, डेट का कॉलम है, अब हमें इसमें मंथ और ईयर का ऐड करना है, हम कैसे ऐड करें। तो वो कस्टम कॉलम बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। अगर आप ऐड कॉलम के ऑप्शंस में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, कस्टम कॉलम, इनवॉक कस्टम फंक्शन, ठीक है। तो देखिए कस्टम कॉलम भी होता है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स भी होता है। नहीं, मैं आपको आज ये नहीं सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जब आपके पास डेट है आप ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहां पे जाके आपको डेट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे क्लिक करेंगे, देखिए ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक और डे सारा कुछ मिलेगा। ईयर पे जाइए और यहां पे क्लिक कर दीजिए ईयर, देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली ईयर का एक कॉलम ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आप अगेन इस पे क्लिक कीजिए, डेट पे क्लिक कीजिए और यहां से आप कर दीजिए मंथ, तो देखिए आपका एक जो कॉलम है मंथ का ऐड हो जाएगा और यहां पे देखिए ये ऑप्शंस आपके आते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखा कितना आसान है कॉलम को ऐड करना, लेकिन जब तक हमें पता नहीं होता है तब तक हम ये काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये दो चीजें कि किस तरीके से हम हेडर को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम किसी भी रोज को हटा सकते हैं, किस तरीके से ब्लैंक वैल्यू हटा सकते हैं और किस तरीके से अपने डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, जिससे कि हम इसका अच्छे तरीके से विजुलाइज कर पाए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और इसे आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल जब करेंगे तो शायद आपको कुछ क्वेरी, कोई क्वेश्चन आए कि हमसे हो नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आता है आप बिल्कुल मेरे चैनल पे जाके आप मुझे कमेंट कर दें। जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम ऑन इट।